साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश का एग्जिट पोल आ चुका है। अलग अलग चैनलों के अलग अलग पोल हैं, लेकिन ज्यादातर ने यही दिखाया है कि केंद्र में एक बार फिर 300 पार सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनने जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गठबंधन को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, ऐसा ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने कहा है। लेकिन अब पुणे की एक एजेंसी ने तो पूरा मामला ही पलट दिया है। जी हां, इस नई एग्जिट पोल में उद्धव ठाकरे बड़ा वाला खेला करते हुए दिखाई दे रहे और महायुति के साथ साथ बीजेपी को भी भयंकर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पूरा महाराष्ट्र का रिजल्ट ही पलट गया है, क्योंकि ये एजेंसी महाराष्ट्र में बीजेपी को सिर्फ सिंगल डिजिट सीट दे रही है, यानी कि दहाई का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं कर पाएगी। बहुत बड़ा झटका हो सकता है। तो बताते हैं आपको कितने ताकतवर हो गए हैं उद्धव ठाकरे, क्या होने वाला है बीजेपी का, सब कुछ बताएंगे। नया वाला सर्वे क्या कह रहा है सब बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो एग्जिट पोल आने के बाद महाराष्ट्र में एनडीए और महायुति के नेता जश्न मना रहे हैं, फिर से सरकार आने की खुशी मना रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं का कहना है कि अभी 2-3 दिन इनको जश्न मनाने दो, क्योंकि 4 जून के नतीजे बिल्कुल अलग आने वाले हैं। अभी बात सिर्फ ऐसे ही नहीं कही है, बिल्कुल हाँ, इस बात में दम भी नजर आ रहा है, क्योंकि एक ऐसा ही सर्वे भी आया है। पुणे की एजेंसी रुद्रा ने एक सर्वे किया है जिसमें पूरा का पूरा उलटफेर नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि बीजेपी सिंगल डिजिट में सिमटती हुई दिख रही है और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। पूरा सर्वे आपको दिखाते हैं। रुद्र रिसर्च एनालिसिस ने अपने सर्वे में कहा है कि महायुति को चुनाव में 43% और महाविकास गाड़ी को उनसे 3% ज्यादा यानी कि 46% वोट मिल सकते हैं। 3% वोट प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, वंचित बहुजन अघाड़ी और अन्य को 8% वोट मिल सकते हैं। अब सीटों की बात आपको बताते हैं। तो इस यानी कि रुद्रा एजेंसी के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी नहीं होने वाली है। जी हां, बीजेपी को महाराष्ट्र में रुद्रा के मुताबिक सिर्फ 9 सीट मिलने वाली है। शिवसेना शिंदे गुट का हाल तो और भी बुरा है। रुद्रा ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक शिंदे गुट को सिर्फ 3 सीटें मिलने वाली हैं, जबकि एनसीपी अजीत पवार के हालात और भी खराब हैं। एनसीपी अजीत पवार को सिर्फ और सिर्फ 1 सीट इस पूरे चुनाव में मिलने जा रही है, ऐसा रुद्रा ग्रुप का एग्जिट पोल कहता है। वहीं अब महाविकास अघाड़ी की बात करते हैं तो शिवसेना ठाकरे गुट की बात करते हैं। 14 सीटें महाराष्ट्र की 48 में से शिवसेना ठाकरे गुट जीत सकता है, ऐसा रुद्रा ग्रुप के एग्जिट पोल का कहना है। यानी कांग्रेस भी दहाई का आंकड़ा पार करती हुई दिख रही है। कांग्रेस भी यहाँ 12 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, ऐसा रुद्रा ग्रुप का कहना है। वहीं एनसीपी शरद पवार यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार 8 सीटों पर जीतती हुई दिख रही है, यानी कि बीजेपी के लगभग बराबर एनसीपी शरद पवार की पार्टी दिख रही है। तो वहीं 1 सीट अन्य पार्टी को यहाँ पर यह कहें कि अन्य को नजर आ रही है, यानी कि रुद्रा ग्रुप का ये एग्जिट पोल है जिसमें बीजेपी सिंगल डिजिट यानी कि 9 सीटों पर और सबसे बड़ी पार्टी 14 सीटों के साथ शिवसेना ठाकरे गुट। और कुल मिलाकर अगर महाविकास अघाड़ी की बात यहां पर कर दें तो कुल मिलाकर 34 सीटें 48 में से जीतती हुई नजर आ रही है महाविकास अघाड़ी, और बीजेपी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ 13 सीटें यहां पर जीत सकता है, ऐसा रुद्रा ग्रुप का एग्जिट पोल कह रहा है। यानी कि महाराष्ट्र में अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा वाला खेला होगा और बड़े वाले खेला में उद्धव ठाकरे सबसे बड़े बाजीगर बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र की होंगी और जरूरत पड़ने पर सत्ता की चाबी भी उनके पास ही होगी। और इसीलिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनके नेता बिल्कुल चुप है, इंतजार कर रहे हैं कि कैसे 4 जून आए, कैसे नतीजे आए और फिर अपने पत्ते खोले जाएं। हालांकि कुछ और सर्वे भी हैं जो कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को ताकतवर दिखा रहे हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी को बड़ा दिखा रहे हैं। टीवी 9 ने अपने एग्जिट पोल में महायुति को 22 जबकि एमवीए महाविकास अघाड़ी को 25 सीटें दी हैं और एग्जिट पोल में 1 सीट अन्य का अनुमान लगाया गया। इसी तरह से टाइम्स नाउ ने भी अपने पोल में महायुति को 28 तो एमवीए को 24 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। यानी कि कुल मिलाकर खेल एक तरफा नहीं है, महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है, अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या होने वाला महाराष्ट्र में इस बार, किसकी होने वाली जीत, किस एग्जिट पोल पर किया जाए भरोसा, कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो देश का चुनाव पूरा होने के बाद नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। हालांकि एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान होते हैं, सर्वे के आधार पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी इसका सिर्फ अनुमान लगाया जाता है।
अब एग्जिट पोल ने जो तस्वीर दिखाई है पहले आपको वो बताते हैं, फिर महाराष्ट्र में हुआ इसके बाद सियासी बवाल बताएंगे। तो देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनती हुई दिख रही है। जी हाँ, ज्यादातर एग्जिट पोल्स में साफ साफ और स्पष्ट बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सरकार बनती हुई दिख रही है। हालांकि 400 पार का जो नारा दिया गया था वास्तविकता से काफी दूर था। हुआ भी वही है, 400 सीटों तक बीजेपी और एनडीए पहुंचते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ 300 का आंकड़ा जरूर पार नजर आ रहा है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो एग्जिट पोल्स के मुताबिक यहाँ बेहद ही दिलचस्प आंकड़े आए हैं। जी हाँ, किसी चैनल के एग्जिट पोल में उद्धव ठाकरे गुट को आगे दिखाया गया, यानी कि महाविकास अघाड़ी की जीत यहाँ दिखाई गई है, तो किसी एग्जिट पोल में बीजेपी और महायुति को आगे दिखाया गया है। यानी कि एक तरह से महाराष्ट्र की जो सियासी तस्वीर दिख रही है वो साफ नहीं है बल्कि खिचड़ी बनती हुई दिख रही है। और इससे भी बड़ी बात है, एग्जिट पोल आते ही उद्धव ठाकरे एक्टिव हो गए, बीजेपी के साथ संपर्क साधने की कोशिश में जुट गए, ऐसी खबरें आ रही है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे को अब भी यकीन है कि बीजेपी अपने दम पर केंद्र में बहुमत नहीं पा रही, यानी कि 272 सीटें नहीं जीत पा रही है, क्योंकि 272 सीटें कम से कम जीतनी जरूरी है केंद्र में सरकार बनाने के लिए। और इसीलिए उद्धव ठाकरे मानते हैं कि केंद्र की सरकार चलाने के लिए उनकी जरूरत बीजेपी को पड़ने वाली है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से उद्धव ठाकरे को संपर्क किया गया है। जी हाँ, और उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी में अपने करीबी नेताओं को संपर्क किया है और सरकार बनाने की सूरत में साथ आने की बात कही है। यानी कि उद्धव ठाकरे को एग्जिट पोल के बाद लगने लगा है कि बीजेपी अकेले दम पर केंद्र में सरकार नहीं बना पाएगी, तो वो खुद उनको सपोर्ट करेंगे, जो कि कल तक बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे, अब उनके ही साथ जाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ शिंदे गुट और बीजेपी के लोकल नेताओं की भी मीटिंग हुई है, क्योंकि शिंदे गुट और खुद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अब उद्धव ठाकरे को किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ आने नहीं देना चाहते हैं। लिहाजा जैसे उन तक भी खबर पहुंची कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ संपर्क करने की कोशिश में है, तो उन्होंने भी मीटिंग बुला ली। तुरंत आनंद फानंद में फैसला लिया गया कि अगर ऐसा होता है, यानी कि अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आते हैं, उनको साथ देने का फैसला होता है, तो इस फैसले का इसका विरोध किया जाएगा। उद्धव ठाकरे को बीजेपी गठबंधन में यानी कि एनडीए में आने का विरोध किया जाएगा, खुले तौर पर विरोध किया जाएगा। यानी कि महाराष्ट्र में एग्जिट पोल आते ही सियासी बवंडर मच गया है और उद्धव ठाकरे अपने पत्ते अब खोल रहे हैं, जो कि उनके विरोधी भी एक्टिव हो गए उसके बाद। इसीलिए लिहाजा पूरा का पूरा मामला हालांकि 4 जून पर रख गया, लेकिन हाँ एग्जिट पोल के आते यहाँ पूरी तरह से सियासी घमासान मच गया। तो आप क्या मानते हैं, क्या बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेगी या फिर उद्धव ठाकरे को साथ लेकर सरकार बनानी चाहिए? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।